दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उस देश के हथियारों का एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा आधार स्तंभ होता है और इसी कारण से अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश जब उनकी अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर आ जाती हैं तो अपने हथियार के एक्सपोर्ट के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा कर लेते हैं। और इसी क्षेत्र में अब भारत ने भी आगे कदम बढ़ाया है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हथियारों के निर्माता और निर्यातक से चीन को हटाने के लिए भारत ने आगे कदम बढ़ाया है। और इस क्षेत्र में भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाले विमान जिसका नाम है TBF, उसका प्रोटोटाइप जारी करने का आदेश दिया है। और आप यह सोच रहे होंगे कि अभी तो इसका प्रोटोटाइप आएगा, बाद में स्टेक की टेस्टिंग होगी, फिर इसका मैन्युफैक्चर होगा, परंतु ऐसा नहीं है। भारत इसकी गुपचुप रूप से टेस्टिंग भी करना शुरू कर चुका है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने लगभग 13,000 करोड़ रुपये का पैकेज भी जारी कर दिया है, जिससे भारतीय नेवी को यह TBF विमान जल्द से जल्द मिल सके और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जा सके। साथ ही भारत का यह फाइटर जेट अमेरिका के जो F-18 सुपर हॉर्नेट और रशिया के MiG-29 जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाले फाइटर जेट हैं, इन दोनों ही फाइटर जेट को ना सिर्फ टक्कर देगा बल्कि उनसे हर मामले में आगे भी होगा। अभी तक वे देश जिनके पास नेवी सेना में ऐसे फाइटर जेटों की आवश्यकता थी उनके लिए अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देशों का दबदबा बना हुआ था, क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं था जिसका वह निर्यात इन देशों को कर सके। अब भारत भी इस क्षेत्र में ग्लोबल मास्टर बनने वाला है और भारत जल्द ही इसका प्रोडक्शन भी शुरू करने वाला है, जिससे यह हुआ कि भारत की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को एक सहारा मिलेगा और भारत पुनः अपनी अर्थव्यवस्था में वापस लौट आएगा। वैसे भारत अन्य अपने स्वदेशी मॉडल जैसे अमका मॉडल जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, साथ ही तेजस MQI-2 का मॉडल भी तैयार करने का प्रयास कर रहा है, जिससे भारत जल्द से जल्द हथियारों का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा और इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सहारा भी मिलेगा।